बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लॉजिकल का क्वेश्चन हमारे सामने है, बिफोर मैरिज कपल शुड बी टेस्टेड फॉर एड्स एंड एनी अदर सेक्सुअली कम्युनिकेबल डिजीज, नेगेटिव रिजल्ट्स विल गारंटी द हेल्थ एंड सेफनेस ऑफ देयर मैरिज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द आर्गुमेंट इन द पैसेज अबव। तो आर्गुमेंट में उसने ये कहा कि शादी से पहले जो जोड़े हैं जिनकी शादी होने वाली है उनका एड्स और दूसरी ऐसी बीमारियों का उनका टेस्ट कर लेना चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जो दो लोगों के आपस में सेक्स करने से ट्रांसमिट होती है। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा यानी उन लोगों को कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं है तो इसका मतलब होगा कि वो पेड़ जो है मियां बीवी जो है वो सेहतमंद रहेंगे, ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी बात है जो वो उसके जेहन में है। अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है जो चीज़ उसने पहले से अज्यूम की हुई है, अपने जेहन में सोची हुई है और उसकी वजह से वो ये बात कह रहा है। तो उसके माइंड के अंदर वो क्या बात है वो हमने ढूंढनी है। ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं और हम इन ऑप्शंस का जायजा लेते हैं कि भाई इनमें क्या कहा गया है। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो वो कहती है करंट स्टेट लॉज रिक्वायर कपल्स हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड टेस्टेड फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। के जो मौजूदा कवानीन हैं रियासत के वो पहले ही कहते हैं कि जो मैरिड कपल है वो इन्फेक्शियस डिजीज का टेस्ट कराएं। तो भी इन्फेक्शियस डिजीज का टेस्ट तो वो करा रहे हैं लेकिन ये क्या है इन्फेक्शियस डिजीजेज के लिए, सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के लिए ये लॉ पहले से मौजूद नहीं है। और इस बात का कोई लिंक हमें डायरेक्ट नजर नहीं आता कि ये बात उसके जहन में है तो इस वजह से वो कह रहा है। बहरहाल ऑप्शन बी देखते हैं। देर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। बहुत सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो सेक्स के जरिए ट्रांसमिट हो सकती हैं। हाँ, ये पॉइंट है देखें कि अगर ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां एक फर्द से दूसरे को इस तरीके की वजह से लगती हैं तो मियाँ बीवी को इसका मतलब एक दूसरे से ये बीमारी लग सकती है। अगर शोहर या बीवी को एड्स है तो उससे दूसरे पार्टनर को भी एड्स हो सकती है। ये बात अगर उसके जहन में है तो जाहिर है फिर वो मुतालबा करेगा कि भाई पहले ही उनका टेस्ट करा लो ताकि उन्हें एक दूसरे से ये बीमारी ना लगे। तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन हम बाकी ऑप्शन का जायजा भी ले लेते हैं, शायद इससे भी कोई बड़ी सॉलिड रीजन मौजूद हो। सी में कहते हैं फॉर्चुनेटली इवन इफ ए टेस्ट प्रूव्स पॉजिटिव फॉर ए कम्युनिकेबल डिजीज कपल्स कैन स्टिल लीड हेल्दी मैरिजेस। कि अगर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी आता है तो वो अगर इख्तियाती इकदाम करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस करेंगे तो वो उस बीमारी के आगे फैलने से बच जाएंगे। लेकिन जो उसका प्राइमरी मकसद नज़र आता है वो बाद की बात नहीं है बल्कि जो पहले की बात है वो है, इसलिए पॉइंट सी जो है वो बी से बेटर नहीं है तो बी ही अभी तक बनता है। डी कहता है ड्यू टू एडवांसेस इन मेडिकल रिसर्च ओवर द इयर्स इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट यूज्ड टू बी फैटल कैन नाउ बी इफेक्टिवली ट्रीटेड। के अब इनका मौसर तरीके से इलाज हो सकता है। तो अगर भाई इलाज हो सकता है तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्हें फैलने नहीं देना चाहिए। तो अब जो आर्गुमेंट में उसका मकसद है वो तो बीमारी को फैलने से रोकना नजर आता है, उसका इलाज करना नहीं नजर आता, इसलिए डी उसका अजम्पशन नहीं हो सकता। और ई कहता है All the diseases detectable through testing have no incubation period and the results of these tests can immediately indicate whether or not the individual has the disease. कहता है जो बीमारियां हैं उनके जो टेस्ट हैं उनमें इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, यानी कोई वक्फा नहीं है रिजल्ट आने और टेस्ट शुरू करने में, फौरी रिजल्ट आ जाता है। तो भाई फौरी रिजल्ट आता है या लेट रिजल्ट आता है इसका जो इशू है उसके साथ कोई बराह रास्त तल्लक नहीं बनता। कोई भी और ऑप्शन पावरफुल नहीं है बनिस्बत बी के। बी ने कहा जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, तो फिर अगर टेस्ट करा लेंगे ताकि पता लग जाए कि उनमें से किसी को ऐसी बीमारी नहीं है तो फिर ही मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया, आप इसको दो तीन दफ़ा सुनिए ताकि पॉइंट आपके जहन में क्लियर हो जाए और स्टेटमेंट को बड़ी तवज्जो से पढ़ें, अच्छी तरह पॉज करके, और फिर मेरी डिस्कशन को